ये पुली बन जाएगा। देखिए पूरी नहीं है, बटोर है, देख लीजिए पूरी बोल रहे हैं, देख लीजिए बटोर है, मस्त। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है इसमें छोले भटूरे की रेसिपी मैं शेयर करूंगी। अगर आपको अच्छी लगी रेसिपी तो कर दीजिएगा लाइक, और ब्लॉग भी अच्छा लगेगा तो कर दीजिएगा लाइक, और ब्लॉग अच्छी लगती है तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए आज का ब्लॉग आप सब इंजॉय करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल अनायासी चौहान ब्लॉग। और गाइज, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे, बहुत मजे में होंगे। मैं सबनम चौहान और मैं कमलेश कुमार, हस्बैंड मेरे कुमारी है, अभी तक शादी नहीं हुआ है। शादी भी नहीं। छोले बनाने के लिए सबसे पहले प्याज को अच्छी तरह से कट कर लेंगे, और मैं यहाँ पे प्याज लंबे लंबे कट कर रही हूँ, और आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे कट कर सकते हैं। तो फटाफट से पहले इस प्याज को कट कर लेते हैं, और अगर आप सावन में प्याज नहीं खा रहे हो तो फिर नहीं डालें। और दो टमाटर मैं ली हूँ, और एकदम अच्छे लाल टमाटर है, और दोनों को कद्दूकस करके डालूंगी, कट करके नहीं। और साथ में कढ़ाई चढ़ा देती हूँ गर्म होने के लिए, तो तेल भी गर्म हो गया है। दो तेज पत्ते डाल दिए हैं, और जो प्याज कट के रखे थे उसको डाल देते हैं, और इसे एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। तो फटाफट से जब तक प्याज भुनता है तब तक साथ साथ में ही आटा को भी गूंद लेते हैं, आटा नहीं मैदा को। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि 2 कप मैदा ली हूँ भटूरे बनाने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिए स्वाद अनुसार, और नमक डाल दिए स्वाद के अनुसार, और चीनी नहीं, एक ही चम्मच डाले थे, स्वाद के अनुसार नहीं डाले थे, और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल 1.5 चम्मच डाले हैं। और इसके बाद इसे मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे, उसके बाद इसके मिक्स करेंगे। तो चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं फटाफट से, और साथ में ही थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा मस्त एकदम भटूरे आज बनने वाले हैं, और साथ में छोले, और बारिश भी हो रहा है तो बहुत अच्छा लगता है खाने में ऐसा मौसम में। तो यहाँ पे देखिए आटा को कर दिए, आटा नहीं मैदा को गूंद दिए हैं, और इसको तैयार कर दिए। अभी देखिए ऐसा फटाफटा सा है, तो बस अब एक नया ट्रिक लगाते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर रिफाइंड ऑयल लगा देते हैं अच्छी तरह से, और मिक्स कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे चलिए देखते हैं कि क्या करते हैं। तो फटाफट से इसके इस तरह से देखिए, एकदम जितना ताकत है ना आपको उतना ज़ोर ज़ोर से इसको पटकना है, यानी कि जो मैदा है ना, मैदा की आज पिटाई कर दे रहा है पूरा। 1 मिनट तक इसको अच्छी तरह से पटकेंगे तो ना ही इसमें दही का ज़रूरत पड़ेगा और ना ही ईस्ट का। तो अब ये देखिए एकदम 1 मिनट हो चुका है, और ये दिखाएंगे अभी आपको हम कि ये कितना सॉफ्ट है और पहले कैसा था। तो ये देखिए इसको रख देते हैं पहले 15 मिनट के लिए, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये कैसा है। तो चलिए तब तक उधर छोले भी देखते हैं। तो छोले में डाल दिए हैं टमाटर, नमक गलने के लिए, टमाटर फटाफट से गल जाएगा, और इसको मिक्स करके अच्छी तरह से ढक देंगे, और एकदम लाजवाब छोले भटूरे बनने वाले हैं, सच मानिए। तो देखिए यहाँ टमाटर भी गया भूल, इसमें डालते हैं हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्चा पाउडर, और इसमें डालेंगे छोले भटूरे मसाले। छोले भटूरे मसाले नहीं, मतलब जो छोला का आता है वो वाला मसाला, इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और ये जैसे ही फ्राई करता है तो जो हम काबुली चना रखे तो उबाल के उसको डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी और डाले हैं। और जब हम क्या कहते हैं ना कि ये जो काबुली चना, तो उसको उबाल रहे थे तो उसमें कुछ भी नहीं डाले थे, ना सोडा, ना नमक, ना ही चाय पत्ती का पानी, कुछ भी नहीं, बस नॉर्मल सा उसको उबाल के रखे थे, और बस पानी डाल के इसको ढक देते हैं। 3 से 4 मिनट पकेगा, उसके बाद ये भी बन के रेडी हो जाएगा। और देखिए भटूरे का ये जो है ना, इस तरह से इसका लोई निकालना है, इस तरह से करके ही निकालना है, क्योंकि पटकने से क्या था कि इसके अंदर पूरा हवा भर गया, तो हवा बाहर ना निकल जाए। तो बस इसी प्रोसेस से आपको भटूरे का इस तरह से लोई को तोड़ना है, और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, और गीले कपड़े से ढक देंगे। जब बेलना होगा तो फटाफट निकालेंगे, फटाफट बेलते जाएंगे, और दिखाएंगे आपको भटूरे की कितना मस्त एकदम बना है। तब तक छोले को देख लेते हैं, और दूसरे वाले चूल्हे पर चढ़ा हुआ है ऑयल, यानी कि तेल तलने के लिए। तो देखिए भटूरा का छोला, भटूरा का छोला नहीं मतलब छोला, कितना मस्त एकदम बना है, और बहुत टेस्टी है, सच बोल रही हूँ मैं। और खाना मैं तो बहुत अच्छा बनाती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। तब तक क्या करते हैं ना
कि ये जो भटूरा है इसको अब बेल लेते हैं। तो आपको तो पता ही होगा ना कि पहले तेल लगा लेते हैं, नहीं तो चपक ना जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि तेल लगा लिए हैं तो अब इसको बेल लेते हैं और फटाफट से एकदम बेलेंगे और एकदम गर्म गर्म तेल में इसको फ्राई करेंगे ना, तो इसलिए इसको बेल लेते हैं। और देखिए बेल दिए ना, अब क्या करते हैं कि इसको छान देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पति देव छानेंगे इसको और हम बेल बेल पूरी नहीं है, बटर है, देख लीजिए पूरी बोल रहे हैं, देख लीजिए बटर एकदम मस्त बन रहे हैं। भटूरे गोल नहीं चलता है, लंबा चौड़ा चलेगा, अच्छा खाना सब चलता है। तो फाइनली बन गया है पूरा और मैं बेल रही हूँ और हस्बैंड छान ले जाइए, छानी है बताना पड़ेगा तो मुझे डालना पड़ेगा क्योंकि ये मायरा को पकड़े हुए हैं और भटूरे दोनों हाथों से उठाना पड़ेगा नहीं तो बीच में कहीं फटना जाए। तो चलिए फ्रेंड्स चाहती हूँ ये देखिए भटूरे एकदम बिना इस बार का बोल बना है और ये बिना दही वाले है छोले भटूरे और एकदम देख सकते हैं एकदम परफेक्ट फुला है, इसमें कोई दही ईस्ट कुछ भी नहीं डाले हैं और एकदम ये परफेक्ट बना है। ये देखिए फ्रेंड्स तो आज बने हैं छोले भटूरे घर में, अब चलते हैं खाने, सोए खा रहा है और हम दोनों खाना बाकी है तो हम दोनों साथ में ही खा लेंगे। तो चलिए उसके बाद मिलते हैं साथ में। तो फ्रेंड्स रेडी हो गया है खाना, तो चलते हैं खाने के लिए और हस्बैंड जाके पहले ही बैठ गए हैं और ये देखिए सुबह से पसीने पसीने में हो गई हूँ किचन में और इधर पैर तो मायरा का हो गया है तबीयत खराब, ये सॉरी क्या किया है कि पानी में एक घंटे भींगा था जिसकी वजह से इसको सर्दी लग गई और ये उसको सर्दी लगा दिया, उसके बाद मुझे भी सर्दी जैसा लग रहा है तो पता नहीं, अब देखते हैं। थोड़ा सा गला में जलन जैसा हो रहा है और मायरा को अभी दिखला कर आए हैं और मायरा भी सो रही है, पूरी रात सोने नहीं दी थी, पूरी रात मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जागे हुए थे क्योंकि वो पूरी रात रोते रही, शाम तक ठीक थी लेकिन बाद में क्या हुआ कि अचानक से 12 बजे के करीब वो उठ के पूरा रोने लगी, तो फिर जागे तो देख रहे हैं कि उसे सर्दी जैसा हो गया है और बॉडी भी थोड़ा सा गर्म था तो इसलिए उसको दिखाना पड़ा है और अभी सो रही है। और ये देखिए इधर रूम में हस्बैंड देख रहे थे मायरा को, यहाँ पे सोई हुई है और बहुत ज्यादा यहाँ पे बारिश हो रही है इस वजह से हर तरफ दरवाजे पे यहाँ तक कि खिड़की पे भी सब में कपड़े डाले हुए सूखने के लिए, बाहर में जब भी जाते हैं तो बारिश होना स्टार्ट हो जाता है और कपड़े भींग जाते हैं तो क्या करें, इसलिए घर में ही डाल दिए कि सूखे तो सूखे बाकी के जितना भी टाइम लगेगा। बोलिए अरे तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग में इतना ही और जरूर ट्राई करिएगा ये छोले भटूरे वाली रेसिपी, सच में आपको बहुत पसंद आएगी और देखिए बहुत टेस्टी था। तो आप भी ट्राई करके जरूर बताइएगा कि कैसा आपको लगा और ये वाला जो लोग दही नहीं खाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल दही नहीं भी डालिएगा तो एकदम बहुत अच्छा से बनेगा भटूरे और छोले के भी बहुत अच्छे बनेंगे, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर मेरी ब्लॉग अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, आप भी बोल दीजिए प्लीज सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।